बैक टू अवर YouTube चैनल जिसका नाम है टेक इंजीनियरिंग। तो आइए हम आज करेंगे बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखिए कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए अगर किसी बॉडी के ऊपर एफ एक्सटर्नल जीरो है, यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है यानी उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। dp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी चेंज मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है ना। बस आपकी बात बताना चाहिए मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट एक बॉम्ब एक्सप्लोजन का। एक बॉम्ब है जिसका मास कितना है m। अब क्या हुआ इस ये बॉम्ब जो है जिसका मास m है उसमें बॉम्ब पहले फूटने से पहले p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। अब कुछ लोग कहेंगे कि बॉम्ब फूटा होगा तो कुछ एनर्जी मतलब कुछ इसमें फोर्स लगा हो तभी तो फूटा होगा, लेकिन नहीं, जो इसके अंदर इंटरनल फोर्स की वजह से फूट रहा है और इंटरनल फोर्स कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इंटरनल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम। बस आपको ये पता होना चाहिए तो इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता मोमेंटम को चेंज कराने में, बस एक्सटर्नल फोर्स ही मोमेंटम को चेंज कराता है। और इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं जिसकी वजह से एफ एक्सटर्नल जीरो है तो जिसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी जितना पहले मोमेंटम उतना ही बाद में मोमेंटम। तो पहले बॉम्ब फूटने से पहले वो बॉम्ब रेस्ट पर रहा होगा तो m into v, लेकिन यहाँ पर v जीरो था दैट इज़ वाई मैंने जीरो लिख दिया पहले ही। अब आपको पता है ये जो बॉम्ब फूटा होगा हमें ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में गया होगा, तो इसलिए मैंने इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिया है। इसकी वेलोसिटी को मैंने एज अ वेक्टर लिया है अब क्योंकि हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में गया होगा, जिसकी वजह से मैंने फाइनल मोमेंटम जो लिखा इस वाले पार्ट की वजह से दो पार्ट में टूटा होगा, हो सकता है इसमें तीन पार्ट में टूटा हो, चार पार्ट में टूटा हो, तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं जितना भी हो सके, है ना। तो m2v2 + m1v1 मतलब क्या, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। जीरो मोमेंटम क्यों हो गया, क्योंकि इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, है ना। अब आपकी बात समझ में आई होगी तो v2 यहाँ से निकालने हमें क्या आइए। अब देखिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतने कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। इतने कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हुआ है तीन पीसेस में। एक बॉम्ब इज एक्सप्लोड इन टू थ्री पीसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:3। फर्स्ट टू मासेस फ्लाई ऑफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी दो मास है। मतलब अगर मैं बोलूँ ये बॉम्ब का कुल मास रहा होगा m, कुल मास मान लीजिए बड़ा m रहा होगा तो ये तीन पार्ट में टूटा होगा, तो तीन पार्ट कितना है, एक m, एक छोटा m और एक 3m है, है ना। तीन पार्ट जो तीन रेशियो में टोटल मिला के कितना हो जाएगा वो m के बराबर। अभी बोला गया जो छोटा m है वो गया अलॉन्ग x एक्सिस के, ठीक है, x एक्सिस के। दूसरा जो मास है, दूसरा जो छोटा ही m है वो भी गया अलॉन्ग y एक्सिस की, और दोनों की वेलोसिटी अपने को दे रखी है, दोनों की वेलोसिटी अपने को दे रखी है कितनी, 90 मीटर पर सेकेंड और 120 मीटर पर सेकेंड। पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ थर्ड मास एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना, मान लीजिए मास उसका पहले वाले मास का हमने m माना तो दूसरा वाला भी m होगा चूंकि 1:1 रेशियो में, और लास्ट वाला मास 3m होगा, ठीक है। अब हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, जैसे मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन में कि पहले कॉन्सेप्ट में कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल कितना रहा होगा जीरो, पी फाइनल कितना रहा होगा। अब देखिए चूंकि जो पहला मास है, ये जो पहला मास है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 90 मीटर पर सेकंड, तो मैंने लिखा m into v। मैंने आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने कंसीडर कर लिया, अब यहाँ पे क्या किया हमने सेकंड वाले कंसीडर किया, सेकंड वाले की वेलोसिटी कितनी थी 120 मीटर पर सेकंड अलोंग जे एक्सिस, अलोंग जे कैप, मतलब जे कैप के मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग। तीसरे वाले को पता नहीं हमें किस डायरेक्शन में गया हो, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब पता है कि 90, अब देखिए क्या है कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कर सकते हैं चाहे तो खुद से, कि इस दोनों को मैं इधर ले उठा के ले आया, जब उधर उठा के ले आया तो -90 -120 हो जाएगा, -90 i cap -120 j cap इज इक्वल टू 3mv। अब 3 से और mm कैंसिल आउट हो जाएगा, हर जगह से mm कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है 3 से डिवाइड मार दीजिए तो 30 और 40। अब ये देखिए ये जो आया, ये आया नेट वेलोसिटी। अब वो क्या करना है, हमें पता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको दोनों का स्क्वायर करके रूट ओवर करना होता है। तो 30 और 40 का स्क्वायर करेंगे 2500 आएगा, जिसका रूट ओवर करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आपको बस क्या करना है, इसको एज अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दिखाना है बस। तो आपको 30 आके का मतलब क्या है कि आपने नेगेटिव एक्सिस में चले और कितना चले 30 और वाई एक्सिस में कितना चले 40, तो ये आपका आ गया कितना, ये रहा इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्ट 10 थीटा के टर्म में आंसर दे सकते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज विद द कितना हो गया ये 180 माइनस 53 डेट इज़ 137 अराउंड, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है।
127 सॉरी है ना। तो आइए ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़ते हैं। ये बॉम एक्सप्लोजन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिसकंसेप्शन भी है, वो समझाना आपको जरूरी है। तो बॉम एक्सप्लोजन का ये क्वेश्चन देखिए कैसे है। हमने बोला कि एक बॉम प्रोजेक्टेड हुआ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री है ना, विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, इट एक्सप्लोड इन टू द टू इक्वल पीसेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट वो कहाँ पे होता है, वो आपको पता ही, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पर रेंज जो हो जाए वो आधी हो जाए। रेंज क्या हो जाए, आधी हो जाए, मतलब कि एक्स जो है, ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू हो जाए, बस इनको पता होना चाहिए। अब क्या है 100, अब ये कुछ लोग समझेंगे कि ये कैसे आया और ये कैसे आया, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यू एक्स निकालने तो यू क्या करते हैं, यू कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा। और 37 की वैल्यू पता ही आपको कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर आपको इस वैल्यू याद है तो मैं आपको याद करा देता हूँ कैसे याद करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए है ना। अब ये एंगल है, ठीक है, इसके सामने लिखिए 3, हमेशा जो हाइपोटेनस होगा वो 5 होगा और बेस में 4 ले लीजिए। 3 के सामने 37, अगर ये यहाँ पर चला गया तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 4 के सामने, क्योंकि अब 3 नीचे आ जाएगा, ये इसके लिए 53 डिग्री, बस ये दो अंतर पर याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 37 है, 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 37 की, 4/5, तो 4/5 रख दिया हमने, 100 × 4/5 तो कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो अलाउ एक्सेस 80 मीटर पर सेकेंड और एक्सेस के अलाउ 60 मीटर पर सेकेंड। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, समझिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि ये वाली वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि लेकिन अलॉन्ग, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वही मैंने लगाया है फॉर्मूला, देखिए क्या है, मैंने मान के चला कि जो ये मास है जो टोटल मास रहा होगा वो 2m रहा मान के चला। 2m क्यों मान के चला, ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन करने में इजी हो है ना, क्योंकि अगर 2 मानेंगे तो दो इक्वल पीसेस मतलब कितना हो जाएगा m और m, ठीक है। अब यहाँ पे गया, अब बोला गया है कि एक गया फॉलिंग डाउनवर्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना फॉलिंग डाउन फ्रीली, एक डाउनवर्ड गिरा और एक गया, एक का पता नहीं हमें कहाँ गया, तो एक पता चल गया आपको कि फॉलिंग डाउनवर्ड। अब कुछ लोग कहेंगे, मैंने बोला कि जो बड़ा वाला मास है, जो पहले मास जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन वो कितना रहा होगा 2m, और यू कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि अलॉन्ग एक्सिस वाला, क्योंकि यहाँ फाइनल जाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, आपको पता है ना वी एक्स कितना हो जाता है फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे, वी वाई हो जाता है 0 है ना। अब क्या होगा, ये जो छोटा वाला मास m है वो नीचे की ओर आया, इसकी वेलोसिटी लेकिन 0 है, डाउन फ्रीली बोला गया है, फ्रीली मतलब क्या है कि एस छोड़ा मैंने, तो ये वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 है। उसी प्रकार जो सेकंड मास है वो पता नहीं मैं कहाँ गया, लेकिन हमने मान सपोज किया कि वो अलॉन्ग एक्सिस गया, क्योंकि पता है मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए अगर एक पार्टिकल ऐसे आया और एक पार्टिकल नीचे गया, तो एक पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए ताकि दोनों का मोमेंटम फाइनली तभी तो इस अलॉन्ग इस लाइन में आएगा, चाहे इस लाइन में आएगा है ना, तभी तो ऐसा होगा, दैट्स वाई हमने ऐसा किया कैलकुलेट है ना। तो बस यहाँ पे लगाया मैंने, अब ये 0 है तो एम इंटू 0 हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा, कैंसिल आउट किया मैंने, ये आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर आपने भैया कंसीडर नहीं किया किसको, ग्रेविटी को, भाई ग्रेविटी तो एक्सटर्नल फोर्स है, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन बॉम्ब एक्सप्लोजन जस्ट 0.001 सेकंड के लिए होता है, उस टाइम उस इतने स्मॉल टाइम के लिए हम उसको एज अ एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको है ना। इसलिए हम अलॉन्ग एक्सेसिस वाई एक्सेस दोनों में लगा सकते हैं हम क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए अब इसमें अपने को निकालना था क्या, अपने को निकालना था पोजीशन। तो आइए हम इसका हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन। तो आपको पता है चूंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका सेंटर मास भी कहीं नहीं जाएगा, यानी सेंटर मास जितना पहले था उतना ही बाद में आएगा। आपको पता है कि अगर एक बॉम्ब फूटता है, और अगर एक बॉम्ब मतलब एक कोई पार्टिकल अपने अगर उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कहाँ जाकर गिरता है, अपने रेंज पर जाकर गिरता है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उसके रेंज पर। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया है, सेंटर मास के लास्ट फॉर्म में बता रखा था मैंने, जैसे मैंने आपको पोजीशन निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू, पोजीशन वेक्टर लगा सकते हैं आप एम टू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू है ना। ये मैंने क्यों लिखा ये समझिएगा, चूंकि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि एफ एक्सटर्नल 0 है, हमने ग्रेविटी को नहीं कंसीडर किया है, बात ध्यान रखना बिल्कुल आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कितना है वहाँ पर, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो क्या है, r है r। अब m1x1 जो पहला पार्टिकल है, आपने जैसे मैं दिखाया था मैंने आपको, पहला पार्टिकल वो कहाँ गया था, पहला पार्टिकल डाउनवर्ड गया था है ना, डाउनवर्ड गया था और हाईएस्ट पॉइंट पे गया था, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा,
उसका जो पोजिशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, वो r बाई टू होगा। एक्सिस से कितना होगा, r बाई टू पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो लिखा r बाई टू, लेकिन दूसरे में पता नहीं वो कहाँ गया। नीचे टोटल मास आएगा, डेट इज 2m, जब कैलकुलेट किया तो मैंने यहाँ पे 3r बाई टू आ गया। अब इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल जो दूसरे जो बॉम्ब फूटने के बाद, जैसे यहाँ पता है आपको, जैसे मैंने मान लीजिए एक बॉम्ब था वो फूटा, जस्ट ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद एक पार्टिकल जो एम था उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। रिट्रेस मतलब वो अपने ओरिजिनल कंसिडरेशन में आना चाहता है, लेकिन एक पाथ पता नहीं, एक पार्टिकल पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। तो हमने बोला, देखिएगा, है ना, फिर से हमने वही लगाया कि पहले कितना रहा होगा, तो पहले कितना रहा, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन लगाते हैं, चलिए बिफोर एक्सप्लोजन लगा के देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिएगा तो क्या होगा, 2mu cos थीटा, ये बता रखा है मैंने आपको। अब आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन, ये मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, बताया होना चाहिए आपको, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आफ्टर एक्सप्लोजन करके देखते हैं, तो आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, जो m वाला मास है, जो ये वाला जो मास है जो रिट्रेस किया, वो जस्ट जो 2m मास के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, 2m मास के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस कंसीडर, ये बात ध्यान रखना है आपको, माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। और cos थीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें बोला गया है रिट्रेस किया गया है ना, ओरिजिनल पाथ को इसने रिट्रेस कर लिया, ठीक है। प्लस mv, mv पता ही आपको, हमें नहीं पता, वहां से कैलकुलेट किया मैंने, और v इज इक्वल टू 3u cos थीटा आ गया। फिर से वही आपका, अब समझिएगा, अब देखिएगा, अगर x2 निकालना है तो बिल्कुल आपको यही फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस एम टू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू। अब हमें पता है ये कितना है, ये हमें पता है ये आर है। अब देखिएगा, अब एम वन एक्स वन, एम वन एक्स वन जस्ट फूटने, जस्ट फूटा होगा तो वहाँ पे कितना रहा होगा, देखिएगा, फूटने के बाद वो कहाँ पे आएगा, जीरो पोजीशन पे, जीरो पोजीशन, समझ रहा क्यों आया होगा, क्यों, क्योंकि वो रिट्रेस करके अपने पाथ पे आ गया, जिसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेट वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने उसको लिखा m इंटू जीरो प्लस एम टू एक्स, पता नहीं हमको, अपॉन में टू एम, है ना। अब इधर कैलकुलेट कर लीजिए तो x इज इक्वल टू टू आर आ जाएगा आपको कैलकुलेट करने पर आपका, दैट इज अवर आंसर। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। मैक्सिमम शेयर कीजिए, धन्यवाद।